दोस्तों नॉर्थ वेस्ट चाइना में शिनजियांग प्रोविंस सिचुएटेड है। ये प्रोविंस एक ऑटोनॉमस रीजन है जहाँ करीब 40 एथनिक ग्रुप्स हैं। हालांकि ऑटोनॉमस होने के बावजूद इसका हाल भी तिब्बत के जैसा है और इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना स्ट्रांगली कंट्रोल करती है। यहाँ दो सबसे बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं, उइगुर्स और हान। इसके अलावा चाइनीज मुस्लिम्स हुई मंगोलियंस, खालखा, कजाक्स, उज्बेक्स, तातर्स, रशियंस और ताहूर्स एक्सेट्रा भी शामिल हैं। आज हम बात करने वाले हैं उइगुर्स मुस्लिम के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस इलाके में मीडिया, फॉरेन जर्नलिस्ट, इंटरनेट और यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स पर भी सीवियर सर्विलेंस लगा कर रखा है। इतनी निगरानी के बाद इस रीजन की एग्जैक्ट सिचुएशन और डेली अफेयर्स तो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं, पर फिर भी कुछ न्यूज रिपोर्ट्स बचकर भाग चुके उइगुर्स या कभी कोई लीक्ड वीडियोस से वहां चल रही एक्टिविटीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूं तो उइगुर्स मुस्लिम और चाइनीज हान एथनिक ग्रुप की लड़ाई दशकों पुरानी है, पर 2009 के बाद उइगुर मुस्लिम्स को लेकर चाइना का एटीट्यूड एक्सट्रीम होने लग गया है। धीरे धीरे 2010 में कम्युनिस्ट पार्टी के उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी पर अटैक्स इतने बढ़ गए कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू बन गया है। अगस्त 2018 में यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स पैनल ने क्रेडिबल रिपोर्ट्स को साइट करके हुए बताया कि शिनजियांग में करीब 10 लाख लोगों को काउंटर एक्सट्रीमिज्म सेंटर्स में कैद करके रखा है। इन्हें ग्लोबली डिटेंशन कैंप कहा जाता है, पर चाइना के हिसाब से ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। पर 16 नवंबर 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स को करीब 400 पेजेस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले जो शिनजियांग रीजन में एथनिक माइनॉरिटीज पर अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन की कहानी बयान करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में बार बार इन सेंटर्स को स्कूल कहा गया है, पर इन स्कूल्स में होने वाली एक्टिविटीज में साफ तौर पर ह्यूमन राइट वायोलेशंस नजर आते हैं। इन क्रैकडाउन के क्रूअल होने की कई मीडिया रिपोर्ट्स, टेस्टिमनीज और एविडेंसेस सामने आते रहते हैं। पर दोस्तों इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें समझना होगा कि उइगुर्स कौन है और उनका और चाइनीज नेटिव ग्रुप हान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है और चाइना क्यों उइगुर्स को एक्सट्रीमिस्ट मानता है और ये परसिक्यूशन क्यों हो रहा है। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। उइगुर्स ये इंटीरियर एशिया और मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में रहने वाले इंडिजिनस एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं। चाइना के उइगुर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ शिनजियांग में करीब 1 करोड़ उइगुर्स हैं। इसके अलावा अर्ली 21st सेंचुरी में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में मिलाकर कुछ 3 लाख उइगुर्स रहते हैं। उइगुर्स की भाषा अल्ताइक लैंग्वेजेस के टर्किक ग्रुप का ही एक हिस्सा है। दोस्तों अल्ताइक लैंग्वेज टर्किक, मंगोलियन और मांचू तुंगुस लैंग्वेजेस के ग्रुप को कहते हैं जिनकी वोकैबुलरी, सिंटैक्स और फोनेटिक्स एक जैसे होते हैं। उइगुर सेंट्रल एशिया के ओल्डेस्ट टर्किक स्पीकिंग लोग हैं। चाइनीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक उइगुर्स 3rd सेंचुरी सीई में भी मेंशनड है, पर उनका प्रोमिनेंस 8th के आसपास खास तौर से नजर आता है जब ओरहान रिवर के पास उन्होंने अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करी। इस इलाके को यदि हम मॉडर्न डे ज्योग्राफी से समझें तो जो नॉर्थ सेंट्रल मंगोलिया है वहीं ये किंगडम एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन कॉन्टेम्प्रेरी मंगोल और किर्ग अटैक के चलते ये लोग डिस्प्लेस भी हुए थे। उइगुर्स की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, पर 10th के आसपास मेजोरिटी उइगुर्स ने इस्लाम एक्सेप्ट किया जिन्हें आज हम उइगुर मुस्लिम्स कहते हैं, और उइगुर पॉपुलेशन में करीब 80% लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जब शिनजियांग एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है तो चाइना इस पर अपना कंट्रोल क्यों रखता है। उइगुर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ शिनजियांग चाइना का ही एक हिस्सा है। जियोग्राफिकली ये चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर है जो ईस्ट में क्विंगाई और गानसू प्रोविंस से बॉर्डर शेयर करता है। साउथ में तिब्बत और साउथ वेस्ट में अफगानिस्तान और कश्मीर से इसकी बॉर्डर्स मिलती हैं। वेस्ट में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में कजाकिस्तान, नॉर्थ में रशिया और नॉर्थ ईस्ट में मंगोलिया बॉर्डर है। ये चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है जिसकी कैपिटल वुलुमुकी है। इस रीजन में रूरल सेटलमेंट्स में नॉर्थ और साउथ में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तारिम बेसिन में ओएसिस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन में एक मेजोरिटी का काम है और बहुत कम परसेंट लोग हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है। ओएसिस एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि क्योंकि ये रीजन सूखा है, एग्रीकल्चर सोलली इरीगेशन पर डिपेंड होता है। 1949 के बाद से इस इलाके में कैनाल्स के जरिए इरीगेशन बढ़ा है। यहाँ के लोग मिनरल, ऑयल एक्सेट्रा माइनिंग में भी काम करते हैं। इस रीजन को लेकर हिस्ट्री सदियों पुरानी है, पर 20th में उइगुर और हान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे जिसका असर 21st में पहले डिकेड में भी दिखा और अब सिचुएशन सीवियर हो गई है। दोस्तों हुआ यू कि 1911 से 1912 में चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद नेटिव टर्किक ग्रुप के कमांडर यांग जेंगसिन ने शिनजियांग पर कंट्रोल कर लिया और बाद में बीजिंग की गवर्नमेंट ने उसे गवर्नर अपॉइंट कर दिया, लेकिन फिर 1928 में उसका असैसिनेशन हो जाता है। इसके बाद जिन शुरेन और शेंग सिचाई ने इस रीजन को रूल किया, पर 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकल अथॉरिटीज को लेकर मॉडरेट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की।
1955 में शिनजियांग को ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर दिया गया। आने वाले सालों में चाइना में 1958 से 1960 के बीच एक कैंपेन शुरू हुआ जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहते हैं। ये कैंपेन चाइनीज कम्युनिस्ट ने शुरू किया था जिसमें लगभग पूरी पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज किया जाना था। इसमें लार्ज स्केल रूरल कम्यून्स हुए जो चाइना के हिसाब से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट थे। इसके कुछ सालों बाद ही चाइना में 1966 से 1976 के बीच माओ ज़ेडोंग ने कल्चरल रिवॉल्यूशन या ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया था। माओ को डर था कि चाइना सोवियत मॉडल पर चलने लगेगा और उनकी हिस्ट्री में कोई जगह नहीं रह जाएगी। इस आइडिया के चलते उसने चाइना के कई शहरों को टर्मोइल में ढकेल दिया। ये दोनों आइडिया शिनजियांग में भी इम्प्लीमेंट किए गए। इस डिस्ट्रप्शन से पनपी फूड शॉर्टेज और 1960s में सिनो सोवियत रिलेशंस में दरार के कारण कजाक लोगों ने चाइना को छोड़कर उस वक्त के सोवियत यूनियन के हिस्से कजाकिस्तान में मास एक्सोडस किया। इसके कारण रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और बॉर्डर एरियाज में एथनिक टेंशन बढ़ी। कल्चरल रिवॉल्यूशन के खत्म होने पर इस रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी जरूर आई, पर इसी दौरान चाइना के अलग अलग हिस्सों से हान एथनिक ग्रुप के लोग शिनजियांग में माइग्रेट हुए। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद से कई सीरियस बदलाव आए। इन बदलावों में से एक सबसे सटल चेंज था डेमोग्राफिक चेंज। 1950s के बाद से ही शिनजियांग में हान एथनिक ग्रुप के लोग रहने लग गए थे। 1950s में शिनजियांग में उइगुर 76% थे जो प्रेजेंटली करीब 42% ही बचे हैं। इसका एक मेजर रीजन है हान लोगों का इस रीजन में आना और रिलीजियस परसिक्यूशन। हान लोग इस रीजन में 40% पॉपुलेशन रखते हैं। धीरे धीरे इस डेमोग्राफी पॉलिसी चेंज और गवर्नमेंट के डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच से हान और यूगर्स में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और एथनिक टेंशन्स बढ़ते गए और प्रोटेस्ट और अदर डिस्टर्बेंसेस होने लगी। दोस्तों, यूं तो हान पॉपुलेशन और यूगर्स के बीच सालों से टकराव होता रहा है, लेकिन शिनजियांग की कैपिटल वुलुमकी में जुलाई 2009 में एक पर्टिकुलरली वायलेंट आउटब्रेक हुआ जिसमें 200 लोग मारे गए और करीब 1700 लोग इंजर्ड हो गए। ऑफिशियल्स के मुताबिक मरने वाले लोगों में मोस्टली हान एथनिक ग्रुप के लोग थे। 2009 के बाद से इस रीजन में उइगुर मुस्लिम्स और हान एथनिक ग्रुप के लोगों के बीच में वायलेंट क्राइम्स बढ़ गए हैं। इन क्राइम्स की रिपोर्ट पिछले एक दशकों में कई बार देखने को मिलती है। इन क्राइम्स को लेकर चाइना ने हमेशा ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM को ब्लेम किया है। ETIM को US स्टेट डिपार्टमेंट ने द मोस्ट मिलिटेंट ऑफ द एथनिक उइगुर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का दर्जा दिया है। हालांकि ETIM की एक्टिविटीज अनक्लियर हैं और इन अटैक्स की जिम्मेदारी भी ETIM ने नहीं ली है। इसके कारण चाइनीज अथॉरिटी ने इस सस्पिशन से कि उइगुर्स डिसिडेंट्स हैं और सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने क्रैकडाउन किया। अथॉरिटीज के एक्शंस में 2017 तक शूटिंग्स, अरेस्ट, लॉन्ग जेल सेंटेंसेस इन्वॉल्व थे। 2017 के बाद गवर्नमेंट ने शिनजियांग के उइगुर्स मुस्लिम पर थॉरो क्रैकडाउन इनिशिएट कर दिया। सिक्योरिटी रीजंस बताते हुए गवर्नमेंट ने उइगुर डोमिनेटेड इलाकों में पुलिस पेट्रोल्स, चेक पॉइंट और कैमरा सेटअप कराने की शुरुआत की। दोस्तों, चाइना ऐसे किसी भी कैंप के होने से इनकार करता है, पर कुछ जगहों पर इन कैंप्स को पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC जैसे रिनोन्ड मीडिया हाउसेस ने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव पीसेस पब्लिश किए हैं जो इन डिटेंशन कैंप्स का ट्रुथ बताते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्सुने जियावुद्दीन, जिन्होंने शिनजियांग रीजन में इंटरनमेंट कैंप्स में 9 महीने बिताए हैं, वो बताते हैं कि जब पैंडेमिक नहीं थी तब भी गार्ड्स मास्क पहन के रखते थे और रोजाना महिलाओं के साथ सिस्टमैटिक रेप करते थे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने उइगुर्स की रिलीजियस और अदर फ्रीडम्स ग्रेजुअली खत्म कर दी है और मास सर्वेलेंस, डिटेंशन, इंडॉक्ट्रिनेशन और फोर्स स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी का एक ऑप्रेसिव सिस्टम बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लीक हुए डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये पॉलिसी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के डाउनवर्ड फ्लो करती हैं। शी जिनपिंग ने शिनजियांग में 2014 में एक विजिट की थी जिसके बाद लोकल ऑफिशियल्स को डायरेक्शन मिले थे कि उन्हें एब्सोल्यूट नो मर्सी के साथ रिस्पॉन्ड करना है। इन सभी रिपोर्ट्स, टेस्टिमोनीज के बाद भी चाइना का कहना है कि मास डिटेंशन और फोर्स स्टेरिलाइजेशन केवल एक झूठ है और एक घटिया आरोप है। दोस्तों, चाइना के इन सभी रिपोर्ट्स और उइगुर्स की टेस्टिमोनीज से इनकार करने पर भी ग्लोबली ये सच सामने आ रहा है, चाइना एथनिक हेट्रेड और सस्पिशन के कारण उइगुर्स पर एट्रोसिटीज कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स पैनल ने कहा था कि उनके पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि 10 लाख एथनिक उइगुर्स चाइना में कैद हैं जो एक मैसिव इंटरनमेंट कैंप जैसा है। UN तो फिर भी 10 लाख बताता है, पर ग्लोबली 50 एक्सपर्ट्स की टीम ने 2021 में एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें 20 लाख उइगुर मुस्लिम्स के डिटेंशन की बात कही गई है। यूनाइटेड नेशन ने 2020 में उइगुर ह्यूमन राइट पॉलिसी एक्ट फेडरल लॉ बनाया है जिसमें कई US गवर्नमेंट बॉडीज को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा उइगुर्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज को रिपोर्ट करना है।
इसी साल जनवरी में फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा था कि चाइना ने जो उइगुर्स के साथ किया है वो एक जेनोसाइड है। रिसेंटली चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में उइगुर ह्यूमन राइट्स अब्यूज को लेकर भी खींचातानी चल रही है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस और कनाडा ने चाइना के खिलाफ सैंक्शंस इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके बाद चाइना ने रिस्पांस में मौकरी करते हुए यूरोप से कहा कि वो जानता है कि जेनोसाइड कैसा दिखता है। ये होलोकास्ट के वक्त हिटलर द्वारा ज्यूस की जेनोसाइड को रिफर करते हुए कहा गया था। दोस्तों यदि हम इंडियन स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने उइगुर मुस्लिम्स के डिटेंशन या उनसे रिलेटेड किसी भी इशू पर साइलेंस बना रखा है। दोस्तों हिस्टोरिकली चाइना में उइगुर्स एक इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है जो लेट 20th सेंचुरी में हुए कल्चरल रिवॉल्यूशन और प्रॉस्परस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चलते फले फूले, पर धीरे धीरे डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए। चाइनीज हान और उइगुर्स में एथनिक ऑपोजिशन पैदा हुआ। ये ऑपोजिशन 2009 में एक क्रिटिकल मोड़ पर पहुंचा और शिनजियांग में एक वायलेंस में करीब 200 लोगों की मौत हो गई, जो ऑफिशियल्स के मुताबिक हान थे। इसके बाद भी वायलेंस नहीं रुका और 2009 से 2014 तक लगातार वायलेंस होता रहा है। चाइना ने हमेशा से इस वायलेंस के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM को ब्लेम किया है। 2014 में शी जिनपिंग ने ऑफिशियल्स को रिस्पॉन्ड विद नो मर्सी का ऑर्डर दिया। कई मीडिया हाउसेस ने पिछले 4 सालों में कई रिपोर्ट्स में बार बार उइगुर्स मुस्लिम के ह्यूमन राइट अब्यूज, रेप्स, मास सर्विलेंस और प्रोसिक्यूशन को सामने लाने की कोशिश की है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।